हाँ जी, वो नल जल किया है आज लगभग 1.5 साल 2 साल हो गया, अभी तक नल जल वाला चालू नहीं हुआ। और खाली जीतने से मतलब रहता है, उसके बाद वो लोग बहुत कम आन जान करते हैं। राशन कार्ड है कितना के नहीं बना, वो बनना चाहिए। रोड जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, अब वो सब बनना चाहिए। और हम लोग को क्या चाहिए, और कुछ नहीं, घर मकान हम लोग को नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। मतलब कि इतना परेशानी था कि मतलब आधा था पाँव एकदम कादम, हाँ कादम में जाते थे हम लोग। अब डर लगता है कि कबाड़ के बिक देगा, ऐसे है फलना डेकान है, गंदगी भी ज़्यादा था, इसलिए बदलाव होना ही चाहिए इंसान को। कि हम लोग के गरीब हम के कोई सहारा ऐसा नेता हो, और कोई ऐसा बाट को सुना रही, कोई ऐसा मेयर हो कि हम लोग के सहारा दे सके। आज़ादी के 75 साल बाद पहला ऐसा मौका है कि लोग अपने हाथ से अपनी मर्जी से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कर रहे हैं। इससे पहले जो प्रक्रिया थी, काउंसलर का चुनाव होता था और वो काउंसलर मेयर का चुनाव करता था, लेकिन इस बार प्रक्रिया बदली है और ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार में कि काउंसलर के साथ साथ आप अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुन सकते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां की समस्याएं शुरू से वैसे ही की वैसे ही है, उसमें से राजधानी पटना का एक कमला नेहरू नगर है जहां पर लोगों की समस्याएं शुरू से वैसे ही है। कई ऐसे इश्यूज है यहां पर, साफ पानी पीने का मामला हो या घरों का निर्माण हो, और कई ऐसी चीज़ें हैं, गंदगी का अंबार उस इलाके में है, और कई बातें ऐसी है जिसको लेकर के कमला नेहरू नगर के जो लोग हैं वो वोट डालने जाते हैं। इस बार क्या समस्याएं हैं और क्या सोच करके आप लोग, क्या आप लोग को क्या लगता है कि नया मेयर आएगा, नया काउंसिल आएगा तो कुछ सुधार होगा? बदलाव तो होना चाहिए, काहे कि 10 साल 5 साल हम लोग वोट दिए हैं, जीत गए हैं, कभी कोई काम वो नहीं किए हैं वो लोग ज़्यादा, और खाली जीतने से मतलब रहता है, उसके बाद वो लोग बहुत कम आन जान करते हैं, इसलिए इस बार बदलाव बहुत। क्या लगता है कमला नेहरू नगर की तस्वीर बदलेगी? बोलिए बोलिए ना, बोलिए, तस्वीर बदलेगी इस चुनाव में? हाँ भैया, बदलने का तो चांस है। हाँ, जो समस्या है वो बहुत दिनों से आप लोग झेल बहुत दिन से एकदम, मतलब कि इतना परेशानी था कि मतलब आधा था पाँव एकदम कादम, हाँ कादम में जाते थे हम लोग। हाँ, तो अभी कुछ समस्या अभी सुलझा है, लेकिन अब सोच में है कि बदलाव हो जाए, नया कोई आवे तो बदले। हाँ हाँ, इसी सोच के ये वोट। हाँ जी, क्या लगता है भैया आपको? जी, हम लोग का यही है कि हम लोग का डर लगता है कि झोपड़ पट्टी कब से मकान है, अब डर लगता है कि कबाड़ के बिक देगा, ऐसे है फलना डेकान है, गंदगी भी ज़्यादा था, इसलिए बदलाव होना ही चाहिए इंसान को। बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं जी। आप बताइए चाचा। हम तो सर वही कहते हैं कि हम लोग के गरीब हम के कोई सहारा ऐसा नेता हो, और कोई ऐसा बाट को सुना रही, कोई ऐसा मेयर हो कि हम लोग के सहारा दे सके, हम लोग के झोपड़ पट्टी बचा करके रखे, जो हम लोग के विकास कर सके, जो भी होगा विकास जो हम लोग के गरीब तार में करके थे। क्या सोच के वोट डालने जा रहे हैं, आपके मोहल्ले का इलाके का क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या सोच के डाल रहे हैं? ऐसी देवे जाइए, हम कौची भर गए। कोई बताया किसको देना है, ऐसे अपने मन से देने जा रहे हैं? हमारा ना कोई बताया, अपने मन से देवे जाइए। क्या मुद्दा है आप लोग के कमला नेहरू नगर का, काफी समस्या पहले से है? हमारा रोड नाला जो भी है समस्या, वो सही करने के लिए यही समस्या, इसलिए हम लोग मेयर डिप्टी मेयर और ये वार्ड पर्सनल हम चुने हैं। आप बताइए चाचा। हाँ, हम लोग टेम्पो सफर दिए हैं वोट, और 3 नंबर पर, और किसको वोट दिया वो मतलब नहीं है। आपका जो मोहल्ले का मुद्दा है, मोहल्ले के मुद्दा है कि हम लोग का नाला साफ होना चाहिए, राशन कार्ड है कितना के नहीं बना, वो बनना चाहिए, रोड जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, अब वो सब बनना चाहिए। और हम लोग का क्या चाहिए, और कुछ नहीं, घर मकान हम लोग को नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। सरकारी कल लगवा दिया, पानी वाला, पानी कहाँ चालू हुआ, नल जल वाला? हाँ, जो नल जल किया है आज लगभग 1.5 साल 2 साल हो गया, अभी तक नल जल वाला चालू नहीं हुआ। सगरो तो हो गया हम लोग का, देहात क्षेत्र में हो गया, लेकिन यहीं पर नहीं हुआ। क्या बोलना चाहिए आप? सुलभ नहीं है, को पेशाब करने का जगह है, माए बहन आता जाता, जहाँ तहाँ आदमी सब लोग आते जाते हैं, खुल ऐसे ही क्या क्या किया जाए, ये पर्दा में ऐसे सब काम होता है, लेकिन कोई यहाँ। क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है सर, गरीबों के लिए तो बहुत ही मुद्दा है, लेकिन कोई कुंटा कहाँ है, जो आता है अपने ही काम में उलझा रहता है, ये करेंगे वो करेंगे, इलेक्शन के पहले बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद तो भूल जाते हैं। सब चुनावी भाषण देते हैं, और ये कर देंगे वो कर देंगे, बच्चों को स्कूल बनवा देंगे, तो सलाब शौचालय बनवा देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं बनवाता है।
जा रहे हैं? ठीक है भैया, मुद्दा ठीक है, अब चुनाव भी अच्छे से हो रही है, वोटिंग भी अच्छे तरीके से हो रही है, किसी तरह का कोई उम्मीद है? हाँ उम्मीद है भैया, होगा हल। हाँ इस बार अच्छे से वोटिंग भी हो रही है सही तरीके से। आप बताइए क्या लगता है, क्या क्या मुद्दा इस बार है चुनाव में, लोग क्या सोच के वोट डाल रहे? मुद्दा तो क्या हम बतावें, जो अभी तो विकास के मुद्दा है, तो कुछ विकास हुआ है, कुछ बाकी है, बहुत सा बाकी है अभी। अब देखिए कौन सा प्रत्याशी जाते हैं नया, कोई अच्छा कर जाए। हाँ कुछ अच्छा काम करके जाए, यही सब मुद्दा। आप बताइए, युवा हैं, इस मोहल्ले की बड़ी समस्या है, क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं? जी सोच के तो अच्छा काम के लिए करेंगे वोट, आपका किस लिए करेंगे? हम लोग जो है उदय यादव की तरफ से, उन्हीं का सपोर्ट है। आप किसको वोट दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है, समस्या इस मोहल्ले की बहुत पुरानी है। आप यहाँ बैठे हुए लोगों का नाम चेक कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है, लोग किस तरह से वोट कर रहे थे? मुद्दा है, समस्या ये है कि लोग वोटिंग कर रहे हैं कि विकास के लिए, और उसी के अनुसार जो है वो अपना कैंडिडेट को चुनेंगे इस बार। और एक हर जगह विकास हुआ लेकिन ये इलाका जो है पिछड़ा रहा है। ये पिछड़ा बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, इलिटरेसी है यहाँ पर, लोग ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पर। और इसी मुद्दा को लेकर के जो है इस बार पब्लिक चाहे कि मैं ऐसा चुनूं जो कि यहाँ पर विकास हो। समस्याएं सुने, बहुत सारी समस्या है यहाँ, नाली की समस्या है, जल की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। और दिन प्रतिदिन जो है किसी को राशन कार्ड नहीं है तो किसी को कुछ नहीं है, मतलब जितना पार्टी का कार्यालय है उसके पीछे का हिस्सा जो है एकदम जर्जर, बहुत ज़्यादा जर्जर है। अंदर जा करके देखिए ना, गया हूँ मैं कई बार, मैं गया हूँ। शौचालय की अभी तो भी समस्या है, एक तो ऐसे ही यहाँ शिक्षा की कमी है, और वोट के लिए लोग आते हैं, मंत्री लोग वादे करके जाते हैं लेकिन कहाँ कुछ तो नहीं होता है यहाँ पर। और इसी एक नई उम्मीद के साथ जो है जनता में जागृति आई है कि मैं ऐसे मैंने इस चुनाव में जो है अपना दिखाएं, अपना प्रदर्शन करें, और लोग यहाँ और वो परेशानी से हमें जूझना ना पड़े, बाल बच्चों का विकास हो, अपना विकास हो। ये तो रूरल, तो आपने सुना कमला नेहरू नगर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी समस्या बहुत पुरानी है। समस्या ये है कि शौचालय नहीं है, साफ सफाई नहीं है, और इन चीज़ों को लेकर के कई बार लोगों ने वादा किया, दावा किया कि सब ठीक कर देंगे, लेकिन तस्वीरों में आपने देखा होगा, हमने भी कई बार आपको उन जगह की तस्वीरें दिखाई, लेकिन समस्या यथावत है। और अब जो उम्मीद है कि शायद अब कोई नया नेता चुन करके आएगा, जिसको ये लोग चुन रहे हैं, कोई नया मेयर आएगा, पटना को मिलेगा डिप्टी मेयर, मिलेगा काउंसलर, मिलेगा, वो इस सूरत को बदल सके, एकदम एक दिन में तो नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसके समस्या के निदान के लिए वो आ गया है, लोगों की बातें सुने। लेकिन कमरा नेहरू नगर की जो तस्वीर है वो साफ है लोगों के सामने, लोग नाराज़ हैं, नाउम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि जो नया कोई भी प्रतिनिधि आएगा वो ज़रूर हमारी समस्याएं सुनेगा, ताकि हमारा जो हमारी जो नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इन समस्याओं से न जूझ सके।